किस स्टेशन मिल जाती है। अलावा दिल्ली मेट्रो की दो दो मेट्रो लाइन पिंक और ब्लू ऑलरेडी यहाँ पे जो वर्किंग है। बाकी ये स्टेशन के बाहर का फ्रंट का व्यू है और आपको सामने जो है आपको ISBT कौशाम्बी मिल जाती है। जो व्यू है आपका इस RRTS स्टेशन आनंद विहार का है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा व्यू आ रहा है इस RRTS स्टेशन आनंद विहार का अंदर इस तरफ से। बाकी ये ISBT आनंद विहार का एग्जिट वाला एरिया है और ये रहा आपका आनंद विहार टर्मिनल ठीक इसके सामने। और आप जो बस जो है यहाँ से जो भी आती DTC की बस वो इस तरफ से आके जो वो निकल जाएगी यहाँ से। वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। दिल्ली मेरठ RRTS के एक नए अपडेट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से मैं आ रखा हूँ RRTS स्टेशन आनंद विहार का आपका अपडेट लेके। दोस्तों इस जगह की अपडेट की बात करूँ तो मैंने आपको इस जगह का अपडेट 1 जुलाई को दिया था और आप देखते हैं कि इतने दिनों के बाद कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है इस जगह पे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और सर्कल में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों ये RRTS स्टेशन आनंद विहार का बैक साइड का व्यू है। जो लोग RRTS स्टेशन से मेरठ से आ रहे हैं और उनको आनंद विहार टर्मिनल की तरफ जाना हो तो वो लोग इस तरफ जो है एग्जिट कर जाएंगे और जो लोग आनंद विहार टर्मिनल से इनको RRTS स्टेशन की तरफ जाना हो वो लोग इस तरफ से जो है जाके वो आ सकते हैं अंदर इस तरफ से। बाकी ये ISBT आनंद विहार का एग्जिट वाला एरिया है और ये रहा आपका आनंद विहार टर्मिनल ठीक इसके सामने। और आप जो बस जो है यहाँ से जो भी आती DTC की बस वो इस तरफ से आके जो वो निकल जाएगी यहाँ से। बाकी स्टेशन के तरफ से जो भी व्हीकल्स आ रही है इस बगल वाले जो सबवे से वो वहाँ से एग्जिट कर जाएगी। बाकी इस वाले सबवे से ISBT आनंद विहार की तरफ से जो बस आ रही है वो यहाँ से एग्जिट कर जाएगी। देख सकते हैं आप DTC की बस इस तरफ से एग्जिट कर रही है बाहर की तरफ। और दोस्तों ये फ्रंट जो व्यू है आपका इस RRTS स्टेशन आनंद विहार का है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा व्यू आ रहा है इस RRTS स्टेशन आनंद विहार का। और आप देख सकते हैं पिछले अपडेट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वर्क इस तरफ जो है कर लिया गया है बाहर की साइड में। मैं पिछली अपडेट की बात करूं तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। पिछली अपडेट में ये सब कुछ भी नहीं था लेकिन आप देख सकते हैं कि बाहर का जो आपके स्टेशन का व्यू वो काफ़ी खूबसूरत और इन्हेंस लग रहा है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लुक आ रहा है सामने से। और इसके बाहर जो है मिरर भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया गया है। और ये देख सकते हैं कुछ ऐसा व्यू है स्टेशन का। जो लोग आनंद विहार RRTS स्टेशन की तरफ जो है इस तरफ आ रहे हैं अपने ऑन व्हीकल से या कैब से वो लोग इस तरफ से यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। और बाकी देख सकते हैं सामने आपका जो है आपको दिल्ली मेट्रो दिख जाएगी और ठीक इस साइड से ही आप जो है अपने व्हीकल से एंट्री कर सकते हैं इस RRTS आनंद विहार स्टेशन में। इस स्टेशन की इंटीरियर वर्क की बात करूं तो वो ऑलमोस्ट डन है बिल्कुल। मैं कोशिश करूंगा कि इसकी जो अगली अपडेट में मैं इसकी जो इंटीरियर वर्क का जो अपडेट आपको अपनी वीडियो में दे सकूं। कंस्ट्रक्शन साइड होने की वजह से यहाँ पे जो व्हीकल्स की मूवमेंट ज़्यादा होती है इस वजह से जो है अभी यहाँ पे रोड का वर्क नहीं किया गया। एक बार सब कुछ डन हो जाने के बाद फिर यहाँ पे रोड और लाइटिंग का वर्क किया जाएगा। बाकी देख सकते हैं ये जो आपके वॉल देख रहे हैं ये वॉल इस साइड जो है जो नाला बन गया नाले को कवर करने के लिए यहाँ पे जो वॉल बनाया गया है देख सकते हैं ये नाला है। स्टेशन तक आने के लिए नाले के ऊपर पुल का काम देख सकते हैं वो भी डन हो चुका है। इस स्टेशन की लेंथ की बात करूँ तो देख सकते हैं इस छोर से लेके अगले छोर तक इतनी लंबी बड़ी ये स्टेशन होने वाली है। और ये स्टेशन आपका जो है आनंद विहार का अंडरग्राउंड स्टेशन होने वाला है। और ये आपका फ्रंट व्यू है जो आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं इस RRTS स्टेशन के अंदर। इतनी खूबसूरत और अलग लुक रखा गया है इस स्टेशन के एंट्री पॉइंट का। और देख सकते हैं ये जो है आपकी जो अभी मैंने दिखाया था आपका पुल जो फुट ओवर ब्रिज है आप सामने फ्रंट से जब आते हैं और आप आएंगे तो सामने इसी जगह से आप जो है इस स्टेशन के सामने आप यहाँ से इंटर कर जाएंगे। और बाकी यहाँ से सामने आप मेन रोड पर जाके आपको बसेस लेनी हो आप ऑटो लेनी हो कैब लेनी हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं। बाकी अब हम चलते हुए ISBT आनंद विहार की तरफ आ चुके हैं और इसके ऊपर देख सकते हैं ये दिल्ली मेट्रो का आपका आनंद विहार का स्टेशन होने वाला है। यहाँ से आपको दिल्ली मेट्रो की पिंक और ब्लू लाइन की सर्विस मिल जाती है। ये एक इंटरचेंज स्टेशन है आपका दिल्ली मेट्रो की। ये खूबसूरत सा व्यू आपके ISBT आनंद विहार का। लोगों को ISBT से आपकी मेट्रो स्टेशन की तरफ जाना हो वो लोग यहाँ से इंटर और एग्जिट करते हैं।
से आप रेलवे स्टेशन और कौशाम्बी की तरफ जो आपकी यूपी साइड की बस मिलती है आप उस तरफ भी जा सकते हैं इस जगह से, कि ये नई वाली सीढ़ी का वर्क हो रहा है, वो लोग यहाँ से जो इंटर और एग्जिट कर सकते हैं आपकी नई वाली जो आरआरटीएस स्टेशन की तरफ। इस तरफ आपकी पार्किंग और जो स्टेशन के तरफ अंदर आने के लिए जो आपकी एंट्री पॉइंट बनाई जाएगी। जो यात्रीगण आरआरटीएस स्टेशन की तरफ से आपकी जो है मेट्रो स्टेशन की तरफ आना चाहते हैं उनके लिए ये वाला जो है आपकी जो है एंट्री पॉइंट बनाई जा रही है। ये बन के कम्प्लीट हो चुका है, जैसे चालू हो जाएगा इसे ओपन कर दिया जाएगा। अब बाकी इस तरफ से जो है आप कौशाम्बी की तरफ जा सकते हैं आपकी यूपी रोडवेज की बस लेने के लिए। वाली सीढ़ी का निर्माण हो रहा है, इस तरफ से आप आईएसबीटी की तरफ जा सकते हैं जिन लोगों को स्टेशन नहीं जाना है। और बाकी देख सकते हैं ये अंदर का इंटीरियर का वर्क अभी होना है इस जगह पे स्टेशन का। बाकी इस फुटओवर ब्रिज से आप स्टेशन का जो व्यू देख सकते हैं, अभी मैं नीचे था, नीचे से आपका अभी आपको मैं यहाँ का व्यू दिखाया था और अब मैं इस फुटओवर ब्रिज पे आ चुका हूँ। और इस साइड का भी देख सकते हैं, ये आपकी जो है स्टेशन का फ्रंट व्यू है। दोस्तों आने वाले टाइम में आपको आनंद विहार एक बहुत बड़ी आपकी जो है ट्रांसपोर्टेशन की हब बनके ये उभरने वाली है, जहाँ पे आपको रेलवे स्टेशन, जहाँ पे आपको आईएसबीटी और आईएसबीटी आपको यूपी साइड और आपकी जो नई जो है आपकी आरआरटीएस स्टेशन मिल जाती है। अलावा दिल्ली मेट्रो की दो दो मेट्रो लाइन पिंक और ब्लू ऑलरेडी यहाँ पे जो वर्किंग है। बाकी ये स्टेशन के बाहर का फ्रंट का व्यू है और आपको सामने जो है आपको आईएसबीटी कौशाम्बी मिल जाती है, जहाँ से आप यूपी साइड की तमाम बसें आपको यहाँ से मिल जाती है। कि ये वाली मेट्रो की ब्लू लाइन होने वाली है और ठीक इसके बगल में जो दिख रहे हैं वो पिंक लाइन मेट्रो होने वाली है जो इस आपके आनंद विहार स्टेशन की तरफ आ रही है। और ये रास्ता है जो आप यहाँ से आप आनंद विहार मेट्रो स्टेशन और आनंद विहार टर्मिनल की तरफ और आईएसबीटी की तरफ जा सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत और व्यस्तम फुटओवर ब्रिज में से एक ये है और आने वाले टाइम में यहाँ पे फुटफॉल और भी बढ़ने वाली है इस आरआरटीएस स्टेशन के आ जाने से। बाकी इस वाले रास्ते से आप यहाँ से आईएसबीटी और जो है आपकी आरआरटीएस स्टेशन की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों छोटा सा रिगार्डिंग था आपकी इस आरआरटीएस स्टेशन आनंद विहार की रिगार्डिंग। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।